राजधानी दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली होने वाली है। 25,000 से ज्यादा किसान जो हैं वो रामलीला मैदान में इकट्ठा होने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जो ट्रैफिक डायवर्जन है वो भी लगाया गया है ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। संयुक्त किसान मोर्चा आज रामलीला मैदान में महापंचायत करने जा रहा है। अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। करीब 15,000 से 20,000 किसान आज रामलीला मैदान में महापंचायत के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम राजधानी दिल्ली में किए गए हैं। करीब 2,000 से ज्यादा जवान अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। कुछ रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है ताकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, लिहाजा राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। ये तस्वीरें आपको देख लीजिए कि ये इस वक्त दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही आधे रास्ते को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ एडवाइजरीज भी जारी करके कुछ रास्ते को डाइवर्ट करने की बात उसमें कही गई है, जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह मार्ग, मिर्दर्द चौक, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, मिंटो रोड, कमला मार्केट से हमदर्द चौक, अजमेरी चौक, चमनलाल मार्ग और पहाड़गंज चौक पर डाइवर्जन लागू है। लिहाजा जो लोग रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो इन बातों को ध्यान में रखें और घर से थोड़े जल्दी निकले, क्योंकि सोमवार के दिन राजधानी दिल्ली की सड़कों पे जाम होता ही है, लेकिन आज महापंचायत होने के रास्तों में और भी ज्यादा जाम देखने को मिल सकता है। ये सुबह की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। हमारे